अबे निको, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस बीकॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री के लिए। और एक छोटा सा आउटलुक, चूंकि आज हमारा पहला क्लास है, तो हम एक छोटा सा ब्रीफ आउटलुक आपको देना चाहते हैं कि इस सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, किसमें कितने टाइम लगेंगे, कितना किसमें समय देना है, और थोड़े कंसेप्चुअली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रीफ आउटलाइन हम आपको दे देंगे किस तरीके से हम इसको ओवरकम करेंगे, ठीक है। सो डील करेंगे कैसे, तो हमारे पास देखिए स्पेशलाइज अकाउंटिंग है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमें पढ़ना है यूनिट वन रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी के बारे में बहुत थोड़े से बेसिक ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर हम किसी से कोई एसेट यूज करने के लेते हैं और उसको यूज करने से मुझे जितने भी प्रोडक्शन या सेल करते हैं, उस सेल पे हम जो भी उसको रेम्यूनरेशन देते हैं, उस पर उस व्यक्ति को जितना भी रेम्यूनरेशन मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग रॉयल्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सेकेंड हमारे पास है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज अलग टॉपिक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अलग टॉपिक है, बट दे आर इंटर रिलेटेड, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड भी है, ठीक। तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हायर परचेज और क्या होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फिर हमारे पास है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब होता है एक हेड ऑफिस है और उसके कई सारे ब्रांचेस हैं, तो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है वो कंसोलिडेट होकर के हेड ऑफिस के अकाउंट में जाती है, हेड ऑफिस के पास रहती है। तो ब्रांच के लिए हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग। यानी कि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन लगता है, या ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के लिए जितनी इंफॉर्मेशन लगता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में। देन वी हैव डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे विशाल के अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, या किसी भी कंपनी में कई सारे उसके डिपार्टमेंट्स हैं, और एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे की हेल्प करता है, दूसरी जो है वो पहले की हेल्प करता है। तो आपस में जो भी डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन होते हैं, या एक डिपार्टमेंट का जब हम अकाउंटिंग करते हैं उसका प्रॉफिट निकालते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग करते हैं उसका प्रॉफिट निकालते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं उनका अलग अलग अकाउंटिंग की जाती है, अलग अलग प्रॉफिट निकाला जाता है, और वो हम किसके अंदर में डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंडर में, ठीक है। बहुत ईजी गोइंग हम लोग सारा का सारा चीज डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो यूनिट है वो हमारा है टोटली किस पे डिपेंडेंट है, न्यूमेरिकल्स पे। टोटली किस पे डिपेंडेंट है, न्यूमेरिकल्स है, ठीक। जो फिफ्थ यूनिट जो है वो नया कंसेप्ट आया है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती है, और वो अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है, अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है कि वो ह्यूमन के रिसोर्स को वैल्यू नहीं कर पाता है, कि वो कितना ईमानदार है, वो कितना लेजी है, वो मुझे कितना वैल्यू दे रहा है, वो मुझे कितना इनपुट दे रहा है, उससे मेरे फर्म को कितना फायदा हो रहा है, उस ह्यूमन रिसोर्स से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो एफर्ट लगाता है उसको मैं कितना वैल्यू करूंगा, या उसकी मैं कैसे अकाउंटिंग करता हूं, ये चूंकि उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए है, इसीलिए हम बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये टोटली थियोरेटिकल है, ठीक। तो इस पे भी हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे। सो अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो हमारे पास पांच यूनिट हम लोग को डिस्कस करना है इस सेमेस्टर में, और जिसमें हमने बताया कि पहली दूसरी तीसरी और चौथी यूनिट जो है वो टोटली न्यूमेरिकल है, इसमें हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन जो पांचवी यूनिट है वो हमारी थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग थ्योरेटिकली डील करेंगे, ठीक है, ओके। सो कितने कितने टाइमिंग लगेंगे, कितनी कितनी हमें क्लासेस देनी होगी, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको। जो रॉयल्टी है वो हमारा बहुत ईजी है, इसको मैं कह सकता हूँ ईजीएस्ट चैप्टर, महाआसान, चलो आसान भी देता हूँ, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हमारा आई गेस 10 से 12 वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 से 12 क्लास के अंदर में हमारी रॉयल्टी खत्म हो जाएगी। देन वी हैव हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, और इसमें हमारी वीडियो क्लासेस जाएंगी, मेरे ख्याल से 10 से 12 क्लासेस में ये भी ओवर हो जाएगा, तो ये भी 10 से 12 क्लासेस के आसपास जाएगी, और ये भी हमारी 10 से 12 वीडियो लेक्चर्स में
ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देन वी हैव ब्रांच अकाउंटिंग, मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सेमेस्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सेमेस्टर का, बहुत टेक्निकली है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बहुत बढ़िया चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके टेक्निकल चीजों को और आपके कंसेप्ट को टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे हमारी हो सकता है 15 मिनिमम क्लासेस लग जाए, हो सकता है 18 तक भी जा सकती है, ठीक। तो ये 15 से 18 वीडियो क्लासेस में हमारा कवर हो जाएगा। देन वी हैव डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये तो हमने बोला कि आसान, तो इसको मैं लिखता हूँ महाआसान। ये महाआसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, हार्डली इसमें हमें लगेगा 8 से 9 क्लास और हम इसको डील कर लेंगे। लास्ट हमारे पास बचता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब बताया था थ्योरी है, थ्योरी क्लासेस है, 3 से 4 मॉडल है इसमें, 5 मॉडल है, 5 मॉडल्स को हम लोगों को देखना है, इजी वे में करेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे, मेथड्स एंड टेक्निक्स है उसको देखेंगे, और आई गेस 3 से 4 वीडियो क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा। सो ये हमारा एक टोटल सिस्टम मैंने बनाया है और इसी के हिसाब से हमको डील करना है, ठीक है। और आई गेस हमें कितनी क्लासेस लगेंगी, तो 12 10 22 22 5 27 37 37 और 4 41 9 50 करें, यानी कि 50 वीडियो क्लासेस में, आई गेस 50 क्लासेस में आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव 3 मंथ और 3 मंथ में आराम से हम ये 50 वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो ये तो था थोड़ा आपको ब्रीफ आउटलाइन, और आज हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेंगे रॉयल्टी के बारे में, ओके।